Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए ताजा तरीन ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स। तो क्या हिसाब किताब है, किसको मिल रहे हैं ज्यादा वोट, किसको मिल रहे हैं कम वोट, और कौन है इस बार डेंजर जोन में। जैसा कि आपको पता है, 7 लोग नॉमिनेट है। तो दोस्तों, 7 लोग नॉमिनेट है बिग बॉस के घर में, सातों के सातों पूरे खिलंदर। इनमें से जो कम खिलंदर है वो डेफिनेटली निकल जाएंगे। तो सातों के नाम अब लेने की जरूरत नहीं है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सातों में देखते हैं कि सबसे ज्यादा वोटें किसको पड़ी हैं और सबसे कम वोटें किसको पड़ी हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले वही गुजारे, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, कल एक पब्लिक पोल हमने जो डाला था, उसमें अली गोनी को सबसे ज्यादा वोट पड़े थे। अली गोनी नंबर 1 पे दिखा रहा था कि अली गोनी को सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे। तो यहां पे चलिए शुरू करता हूं मैं सबसे नीचे से कि सबसे कम वोट किसको पड़ रहे हैं। सबसे कम वोट पड़ रहे हैं दोस्तों अर्शी खान को। अर्शी खान है लिस्ट पे, अर्शी खान का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो इस बार अर्शी खान के निकलने के बहुत बहुत जबरदस्त वाले चांसेस हैं। अर्शी खान के बाद जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े, तो दूसरा नंबर भी ए का ही आता है, यानी कि ए फॉर अभिनव शुक्ला। तो अभिनव शुक्ला को अर्शी खान के से ज्यादा वोट पड़ते हैं, और अभिनव शुक्ला भी ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से डेंजर जोन में है दोस्त। तो उसके अभिनव शुक्ला के बाद जो नाम आता है वो है देवलीना भट्टाचार्य, यानी कि एजाज खान। लेकिन एजाज खान तो बिग बॉस के घर में आ रहे हैं, ऐसी तो हमको पता चल गया। इसका मतलब देवलीना भट्टाचार्य बिग बॉस के घर से बाहर नहीं जाएंगी, वो पूरे तौर पे एजाज खान को वापस ला के फिर ही बाहर जाएंगी। तो इसके लिए देवलीना भट्टाचार्य को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद नाम आता है निक्की तंबोली का, यानी कि नंबर 4 पे जो है सेम है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली को भी काफी वोट पड़ रहे हैं। तो निक्की तंबोली के बाद नाम है एंटरटेनमेंट क्वीन, जिनका के अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलाई के साथ 36 का आंकड़ा भी हो गया है। तो राखी सावंत को फिर भी लोग जो है काफी फैन फॉलोइंग बन गई है बिग बॉस के घर में। राखी सावंत तीसरे नंबर पे सेव हो रही हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे अभी कौन सेव हो रहा है, रुबीना दिलायक? जी नहीं, दूसरे नंबर पे जो सेव हो रहे हैं अली गोनी है। रुबीना दिलायक को अली गोनी से ज्यादा वोट पड़े हैं इस वोटिंग ट्रेंड में, और अली गोनी के बाद जो है रुबीना दिलायक है नंबर 1 पे। तो फिर से बताता हूं, नंबर 1 पे रुबीना दिलायक, नंबर 2 पे अली गोनी, नंबर 3 पे राखी सावंत, नंबर 4 पे निक्की तंबोली, नंबर 5 है देवलीना भट्टाचार्य या फिर एजाज खान, नंबर 6 पे है अभिनव शुक्ला, और नंबर 7 पे है अर्शी खान। तो क्या कहते हो, क्या अर्शी खान बिग बॉस के घर से चले जाएगी, या फिर डबल इलेक्शन में अभिनव शुक्ला भी जाएंगे? क्योंकि मेकर्स हो सकता है कि अभी 2-3 हफ्ते रुबीना दिलायक की अकेले की गेम भी देख लो, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर रुबीना को अकेली नहीं छोड़ेंगे, एंड तक अभिनव शुक्ला टॉप 5 में जाएंगी जाएंगे। क्या कहते हो, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.